यहाँ पे ना एक साइकिल सी खड़ी थी, तो मैंने सोचा देखता हूँ क्या चीज़ है। ऊपर लिख रखा है साइकिलिस्ट किल्ड है, रेस्ट इन पीस। तो यहाँ पे मारा गया होगा उसको, उसकी साइकिल ऐसी उसकी याद में अभी भी खड़ी कर रखी है। जंग लगा अब तो इसके, ये जेड़ी सी बांध के। ये बेड बढ़िया है, बाकी बेंच पे तकिया भी था और एक कंबल सा। वैसे मजा तो है यहाँ पे सोने में। बिताली ने तो हेलमेट पहन लिया, मैंने मना कर दिया था हेलमेट के लिए, और अब मेरे को धोखा लग रहा है। भूख लग रही थी, रास्ते में एक बार पिज्जा लेने के लिए रुक गए, डिट्रॉइट पिज्जा नाम से जगह। तो मैंने तो एक वोड का पिज्जा लिया है और एक चीज पिज्जा। इधर का पिज्जा काफी महंगा है, यहाँ पे टिप देना एक तरह से कंपल्सन ही है। $25 का पड़ा है, यानी कि 2000 रुपए के तीन पिज्जा की स्लाइसेस है। लेकिन ये एक स्लाइस देखो कितनी हैवी है। तो भाई ये जो औरत है, ये स्टोर में से कुछ चुरा के भाग रही थी और पुलिस आ गई, पकड़ लिया शायद इसे। अब स्टोर से कुछ चुरा के भागी थी, ये वो है शायद, बोंग है क्या होता है नशे करने के लिए। ये है भाई न्यूयॉर्क सिटी के कमाल। तो अभी मैनहट्टन से ब्रुकलिन में क्रॉस करने वाले हैं हम, और वो सामने जो आप अभी दिखाऊं आपको वो है ब्रुकलिन ब्रिज। काफी पॉपुलर ब्रिज है और काफी बॉलीवुड मूवीज में भी है। मैं पिक्चरें देखता नहीं, पर जिसे पता वो कमेंट्स में लिख देना कौन सी पिक्चर में आया था। ये है भाई ब्रुकलिन ब्रिज, दोनों तरफ से गाड़ियां जा रही, और ये साइकिलिंग की अलग लेन है, ये चीज बढ़िया लगी। अभी हम एंटर करके ब्रुकलिन में, नॉर्थ ऑफ ब्रुकलिन ब्रिज जस्ट पार किया। यहाँ से भी दिखा रहे 9 किलोमीटर और है, यानी कि 5.5 माइल के करीब। यहाँ पे एक तो ये सारी कैलकुलेशन माइल्स में करते हैं, अमेरिका में माइल्स में, फुट में, यहाँ से इतने फीट दूर। अपने की तरह मीटर किलोमीटर का हिसाब नहीं है, वेट भी ये आउंस में, LBS में, पाउंड में, किलो का हिसाब नहीं, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। चलो चलते हैं अपन, और बीच बीच में मैप देखते रहेंगे। अब ब्रुकलिन में राइड करते हैं बाइक, मैनहट्टन में तो हमने कर ली। तो अब मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हो ना, ये पूरा है ब्राउन्सविल, जिधर हमें आना था। और इससे थोड़ी पहले ना, जब हम मेन रोड से आ रहे थे, अभी हम जस्ट मुड़े हैं मेन रोड से इधर, अभी अंदर जाके नेबरहुड एक्सप्लोर करेंगे। पहले का इलाका बहुत ज़्यादा ना साफ सुथरा और एकदम सेफ सा लग रहा था, उधर ज्यूज लोगों की कम्युनिटी थी बहुत ज़्यादा, तो वो लोग घूम रहे थे और वो एकदम ही साफ था। विताली कह रहा था कि तू गलत न्यूज़ पढ़ी है, तूने गलत इन्फॉर्मेशन है तेरी, कि ये जगह काफ़ी सेफ मिलेगी। पिछले इलाके को देखे यहाँ से 200-300 मीटर पहले, मैं बोला चलते आगे चल के देखते हैं। This neighborhood is completely different from what we saw, like less than a mile ago. I mean, probably it's a couple of blocks, like maybe 2-3 blocks, maybe a couple of 100 yards. Yeah. So it was clean and nice, and now look at the graffiti, all different cars. Like the cars are probably cheaper. Yeah. But older, you can see it's such a big difference. Yeah. पहले गाड़ियाँ मोस्टली महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी थी उधर, और इधर मतलब पुरानी गाड़ियाँ, होमलेस लोग, खूब सारे लोग ना, ये जो ट्रॉली सी नहीं होती सुपरमार्केट वाली, उस ट्रॉली में अपना सामान डाल के कोई बेंच पे सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। इससे पहले उधर थे हम, वहाँ तो सारे ना गोरे लोग थे, जूस थे, यहाँ एक भी गोरा आदमी नहीं है, एक सिंगल आदमी भी मेरे को गोरा नहीं दिख रहा। मतलब आधे किलोमीटर से कम के डिस्टेंस में एकदम ही चेंज हो गया। ये देखो दीवारों पे ग्राफिटीज वगैरह, और ये नाम वाम गैंग्स के नाम या कुछ कुछ अजीब अजीब चीज़ें लिख रखी है। अभी चल के अपन अंदर घूमते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इसे, बाइक पे चलते चलते बीच बीच में रुकते रहेंगे, और जो जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। अभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हो गया जस्ट अभी, वो देखो भीड़ सी लग रही है, ये देखो ये गाड़ी ठुकी। आज की वीडियो में इतनी चीजें होगी, कोई चोरी करके भाग रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया। वी हैव सीन सो मच टुडे, समवन लाइक स्टीलिंग फ्रॉम अ स्टोर एंड देन दिस एक्सीडेंट हैपनिंग, सो मेनी थिंग्स। न्यूयॉर्क इधर भाई, ये गाड़ियों की रिपेयर की दुकानें हैं कुछ, और बाकी चीज़ें बंद पड़ी है।